सब्सक्राइब कीजिए शर्मा फोर टेक्निकल को और दबाए इस बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं वरुण आप सभी को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शर्मा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टाग्राम का यूजर नेम कैसे चेंज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम यूजर नेम चेंज करने के लिए आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको मैं इंस्टाग्राम का यूजर नेम चेंज करने के लिए बताता हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूँ, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, उसके बाद ऑल पे क्लिक कर दें। हमारा इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम एप्लीकेशन जो है मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना होगा। तो ऑलरेडी मेरे इंस्टॉल्ड है, तो चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अगर आपके पास डाउनलोड नहीं है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इंस्टाग्राम जो है कि मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और ये रहा हमारा इंस्टाग्राम। आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा जो कि आप देख सकते हैं। आपको जो है कि यहाँ पे एक आदमी का आइकन दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए आदमी का एक आइकन है। इस आदमी को आइकन पे आपको क्लिक कर देना है। चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। आप देखिए, इस पर हम क्लिक कर दिए। आप देखिए यहाँ पे हमारा जो है कि ऑलरेडी हमारा प्रोफाइल खुल चुका है। अब यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। आपको यहाँ एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा जो कि आप देख रहे हैं। अब आपको यहाँ पे जो है कि एक यूजर नेम का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको सिंपल क्लिक कर देना है। चलिए मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। और इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से एक यूजर नेम चेंज लिख लेना है, जैसे ABCD। तो आप जैसे इसको लिखिएगा तो यहाँ पे देखिए यूजर नेम नोट अवेलेबल लिख कर आ गया, यानी कि आप जिस भी नाम से बनाएंगे वो अगर पहले से इंस्टाग्राम पे यूजर नेम है तो आपका उस नाम से यूजर आईडी नहीं बनेगा, यूजर नेम उसे नहीं बनेगा। और यहाँ पे कुछ इस तरह से आइकन आ जाएगा रेड का। अगर आपका नाम सही है या उस यूजर आईडी से कोई अकाउंट नहीं बना है तो यहाँ पे जो है कि हरा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी एक नाम लिख कर दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि देखिए तो ये देखिए हमारे यूजर नेम तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे यूजर नेम जो है कि आ गया है जो कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको देख सकते हैं ये हरा हो गया है। तो इस तरह से अगर यूजर नेम आपका सही रहेगा तो ये हरा हो जाएगा। तो आप यूजर नेम जब भी बनाइएगा तो आप इसमें स्पेस जो है कि नहीं दीजिएगा। स्पेस देने से
आपका जो है कि थोड़ा यूजर नेम अच्छा नहीं लगता, और यूजर नेम जो है कि यहाँ पे रेड मार्क आने की संभावना ज़्यादा रहता है। तो इस तरह से जो है कि यूजर नेम हरा हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक आइकन दिख रहा है सही का, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ एक नया पेज ओपन हो जाएगा, कुछ इस तरह से मैं दिखा रहा हूँ इसको। कुछ इस तरह से पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, और ये पेज ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे जो आपका यूजर नेम है वो चेंज होकर आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ इस नाम से बनाया था, शर्मा फॉर टेक्निकल के नाम से, तो हमारा ये यूजर नेम इस तरह से बन गया था। पहले था वरुण कुमार के नाम से, तो मैं ऑलरेडी शर्मा फॉर टेक्निकल के नाम से बना लिया हूँ। तो अब हमारा जो है कि यूजर नेम चेंज हो गया है। तो इस तरह से आप जो है कि यूजर नेम चेंज कर सकते हैं, और अगर आपको कोई परेशानी होता है तो आप हमें कमेंट भी करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, जय हिंद।